सारे को क्या हाल है? और टीचर फोन तो उठाओ मेरा। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। पैसे मुझे मिलते हैं? चलो यार, कोई बात नहीं। अब तो बिना तुम कुछ क्या करती हो? रेट तो आप झूठ थोड़ी बोलते हो, तो मुझे पता ही है। चलो बस, मैंने ये था कि तुम ले आओ बस, जो पहली चांस हो। वैसे मैं भेजा करूँगा ना, तो ले आया करना। मैं आप बस शिष्टाचार को मत दिया करें ना, दो दिन छुट्टी का ऑफ होता है तो फिर वो अब तुम काम कर रहे हो? नहीं यार, मेरा काम तो मॉर्निंग हो गई है ना, यहाँ खाना आया हो ना बर्फ का, तो मेरा तो वैसे भी नाइट का ही होता है, मेरी नाइट पर छुट्टी नाइट मेरा मॉर्निंग है ना, तो नाइट को जाऊंगा। तो आप सोए ना? मैं सोया था। यार मुझे वैसे भी नहीं, मुझे सारा डर, मुझे क्या सोना नहीं। आप बेच बेच मेरी छः घंटे नहीं पूरी हो जाए ना, मेरे लिए काफ़ी। चलो हाँ, तो हो यार, तुम सुनाओ यार, क्या चिंता है यार? बस कुछ नहीं कर रही हूँ, बस क्या करे थी, सारे खत्म होंगे तो जिंदगी से कौन नहीं आएगी। ऐसे यहाँ रखा टेंशन ना है ना ही तो चाहे तो क्या अभी शुरू है? नहीं नहीं मुझे थर्ड ईयर है, थ्री। तो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई? वो तक रहती है मुझे ब्लीडिंग। मैं होता यार, मैं तो नहीं ले जा सकता, वो कपड़े वगैरह की मुझे पता है यार, ऐसे की ना तो मैं अपने पासपोर्ट बनाऊंगी ना, आपने मुझे बोला मैं दुबई लेके जाऊंगा। कितने दिन घुमाएंगे दुबई में मुझे? यार मैंने जब भी गया ना दुबई, बिल्कुल मेरा हर साल हो रहा है ना जाना दुबई, तो मैं मोस्टली जब भी जाता हूँ तो मैं चार दिन रहता हूँ ज्यादा, क्योंकि इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं हफ्ता रोज यू नो ये वगैरह, पर वो जो कहते हैं ना वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं होती, तो मैं जब भी जाता हूँ मैं गाड़ी रेंट करता हूँ, तो इसलिए वो चार दिनों में सारा कुछ देख सकती हूँ। लिटरली चार दिनों में पूरा यूएई में तुझे घुमा सकता हूँ, शारजा, अबू धाबी, दुबई, रसल खैर, उमान बॉर्डर तक, लाइक लिटरली मैं इस दफा गया हूँ तो मैं उमान बॉर्डर तक फ्रॉम अबू धाबी ड्राइव किया हमने, अबू धाबी से लेके उमान के बॉर्डर तक, ये लगा लो ये बंदा ये देख सकता है चार दिनों में गाड़ियाँ हो ये साथ है। आप वहाँ पर रेंट की गाड़ी ले लेते हैं? हाँ मैं रेंट की गाड़ी यूज़ करती हूँ, ये साफ होता है हमारा, मैं जाता हूँ तो जो मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई है ना सब कुछ, ये साफ। तो मुझे बताओ तो फिर है प्लान जाना मेरे साथ, तो मैं भी कुछ सोच के रखूँगा।
अब कब आओगे पाकिस्तान यार? मेरा कोशिश बहुत ज्यादा, मेरी कोशिश है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ अक्टूबर या नवंबर, क्योंकि गर्मियों में ना दुबई फारग है यार, बंदा कुछ नहीं कर सकता। दुबई ना वो गर्मी है, पाकिस्तान से ज्यादा गर्मी है ये जून जुलाई में, फारग है। मैं एक बार गया ना, उसके बाद मैंने ना मैंने यहाँ का मुझे दुबई पसंद था, पर मैं दुबई जाऊँगा गर्मी, तो अक्टूबर नवंबर का महीना करता है बस होता है। नवम्बर तक आएगा। हाँ तो तुम बता दो, मैं सोच के रखू ऐसे कार वगैरह। तो आपकी वो फ्रेंड भी आपके साथ जाती है? वो फ्रेंड एक बार ही गई थी मेरे साथ, पिछले लास्ट ईयर गई थी मेरे साथ। अब यार पत्नी थी यार, तुमने खुद ही देख लिया फोटो से, इसलिए पता चल गया होगा। बिल्कुल मेडिसिन यार, मैं टाइमिंग कब वो भी मैं कभी कभार लेता हूँ, मैं ये नहीं है ये ना समझना कि मैं हमेशा लेता हूँ, कभी कभार वो भी यार वो बस टाइमिंग के लिए जरा वो जरा बड़े रखने के लिए ये साथ है तुम्हारे तुम्हारे साथ एक बार जरूर होगा। अच्छा मुझे ज्यादा नहीं, वैसे वैसे कभी पढ़ी होती है एक्स्ट्रा, तो इसलिए ना कभी का तो इसलिए ये साफ रहता है। अच्छा अच्छा तो यार फिर बताओ ना, फिर प्लान बना। मैं तो भी खुलेंगे, मिल जाती है चीजें इस चीज की ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ आराम से कॉन्डम वगैरह सारा कुछ। भैया मुझे कॉन्डम का शौक नहीं है यार, मैं तो ये सही बात कर रहा हूँ, मुझे कॉन्डम का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे बिल्कुल कॉन्डम यार, कॉन्डम ऐसे होता है कि जैसे अपने आप को हक कर ही लगाना, मेरा मजा ही नहीं है, मेरा मेरा मजा ही नहीं है। जो मजा यार नेचुरल का यार, मतलब बगैर उससे करे कॉन्डम से बहुत मजा यार। थोड़ा सा तेज लगाया